बहुत सारी फ्री यूनिवर्सिटीज हैं, फिर भी मैं पैसे देके पढ़ रहा हूँ। बट द थिंग इज, बहुत सारी फ्री यूनिवर्सिटीज जिससे मेरे को MBA का टैग मिलता, उसके लिए मुझे कम से कम Alright, so यार मैं इस वक्त होक्सले होफ में हूँ एंड आई एम सिटिंग हियर विद स्टूडेंट्स। क्या मास्टर्स कर रहे हो दोनों जन? मास्टर्स इन जनरल मैनेजमेंट। ओके कूल, सो बिफोर आई गो एंड आस्क यू द क्वेश्चन, हाय माय नेम इज कुशाग्र, मैं जयपुर से हूँ। आई डिड 5 years BA/LLB ऑनर्स कोर्स फ्रॉम RU। आई स्कोर्ड 63% एंड आफ्टर दैट मेरा अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है जयपुर हाई कोर्ट में। यहाँ आने के लिए आई डिड IELTS ऑफ कोर्स और उसके साथ साथ मैंने GMAT भी दिया। माय नेम इज विधि एंड मैं गुजरात से हूँ और मैंने बैचलर्स BBA किया है एंड आई स्कोर्ड 70%। मेरा 2 years का एक्सपीरियंस है सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड HR डिपार्टमेंट दोनों में मैंने एक्सपीरियंस है मेरा। And yeah, right now I'm doing master's, so yeah. Business economics या फिर business के जो भी उसमें से है वही। Okay. Yeah, might be engineering is also like accepted. Yeah, I mean the name of the course is general management, so mostly सारे ही background के बच्चे accepted होते हैं इसमें। As long as you have a 3.0 GPA or more. So, उससे better है तो mostly सारे background से cover होता है। It's not just limited to engineering or business or. The core subjects includes quality management, procurement and risk management, applied economics on the German market. So these are the core subjects. And then you have optional subjects, which is language, of course. And then you have SAP and other tools for the management. So yeah. And like, what's your interest though? Kisme specialization karna hai? After completing like MBA, I would be choosing like data analytics or might be HR. तो ये MBA का टाइटल है या मास्टर्स का टाइटल है इसमें? MBA का टाइटल। अच्छा, इट्स MBA। अच्छा, ओके ओके। €3,300 per semester and about €125-126 semester contribution. The best part is 6 months you have to do a mandatory internship. So 6 months mandatory internship, 6 months master thesis. So it's a 2 year course. So you have to study for just 1 year. First thing is यहाँ का living cost बहुत कम है as compared to Berlin and other big cities. And second is 6 months का जो mandatory internship है that opens up a lot of opportunities for you to work full time. So most of the time आपका full time जो mandatory internship होता है that gets converted into full time employability. But then again in other universities such as IU and बहुत सारे अलग भी देखे थे मैंने, उसमें there is no concept of mandatory internship. So वो मेरे को थोड़ा एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा lucrative option लगा कि like let's go for Darmstadt, TU Freiburg. TU Freiburg में से admission मिल गया था, but requirement was GMAT, GRN. तो total कितने में apply किया था और कितने में से आ गया था? Around 10 universities में apply किया था. First one was the Hof, जिसमें I got admission. Hof आके मेरे को Darmstadt में भी admission मिल गया था, but I chose Hof. तुमने? मैंने 5 में apply किया था, मेरे को 4 से आ गया था admission. एक Anhalt University से आ गया था, University of Würzburg से आ गया था, Hof से आ गया था और एक Gizma से आ गया था. University of Mannheim से rejection आया था, क्योंकि credentials जो थे लॉ के वो बिजनेस के क्रेडेंशियल से मैच नहीं कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ व्युर्ट्सबर्ग मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट B1 था और उस टाइम मेरे पास A2 था। आनहाल्ट यूनिवर्सिटी का मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा APS टाइम पे नहीं आया। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन आई गेस टू राइट GMAT और GRE, वो दे लेना चाहिए तो वो सही रहता है बिकॉज आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना कि आपका इमीडिएट वर्क एक्सपीरियंस किस डोमेन में है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किस लेवल पे है और आपका GMAT GRE का स्कोर कैसा है। हाँ बिल्कुल कंसिडर किया था और अभी भी एट टाइम्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि बहुत सारी फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं फिर भी मैं पैसे देके पढ़ रहा हूँ। बट द थिंग इज, बहुत सारी फ्री यूनिवर्सिटीज़ जिससे मेरे को MBA का टैग मिलता उसके लिए मुझे कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था। इन माई केस आई जस्ट हैव 1.5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सेकेंड, लैंग्वेज डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे इतना सही है कि द मोमेंट यू गेट एडमिशन इन टू दिस कॉलेज यू हैव टू स्टडी लैंग्वेज अप अंटिल B1। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में यू हैव द ऑप्शन टू परस्यू, वो फ्री क्लासेस देते हैं सो यू
can pursue or you cannot. Here it is mandatory. It was the best on also like the options that I had after like APS and everything. So this was the best by far. Data analytics. अच्छा डेटा एनालिस्ट का कोई सब्जेक्ट्स है यूनिवर्सिटी में? हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू गो इन दैट डायरेक्शन? या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है अभी तो, बट या आफ्टर एमबीए आई विल डू दैट. व्हाट अबाउट यू? आई वुड वांट टू गो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट सेमेस्टर वी हैव दिस कंपलसरी सब्जेक्ट व्हिच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट्स लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट दे एड्स अप टू दिस ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर. सो इन द कमिंग फ्यूचर आई वुड वांट टू सी माय सेल्फ वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर फॉर अ कंपनी. कूल यार. इन जनरल बताए तो प्लीज एटलीस्ट B1 या B2 तक कर लेना. इट विल बी लाइक गुड फॉर यू. या आई मीन मोर और लेस एडिंग ऑन टू दिस, इफ यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन जहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके यूनिवर्सिटी पास करना पड़े, सो द एफर्ट्स आर लाइक ऑन द एवरेज एंड आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ठीक है एंड यू क्विकली वांट टू गेट इनटू अ वर्किंग डोमेन राइट आफ्टर योर मास्टर्स और मे बी MBA, दिस HOFF इज स्पेशली गुड इफ यू वांट टू बी लाइक इन अ वर्किंग एज अ वर्किंग प्रोफेशनल राइट आफ्टर 1 year. सो एक साल के पढ़ाई के बाद बी अ वर्किंग स्टूडेंट और फाइंड योरसेल्फ एन इंटर्नशिप एंड देन वही फुल टाइम जॉब पे कन्वर्ट हो जाता है. तो इट्स इजियर दैट वे और पास करना कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटीज से इजी है HOFF में. कूल यार. सो दिस वाज द जर्नी. इफ यू हैव मेड इट टिल हियर हिट दैट थम्स अप बटन एंड मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो अभी हम लोग बी से ए में जा रहे हैं. तो तुम लोग को क्लासेस यहां मैंडेटरी होती है या नहीं है? जर्मन में हमारा अटेंडेंस कंपलसरी है, एटलीस्ट 80% हमें अटेंड करना होता है. अच्छा, तो जर्मन क्लासेस क्लास वाला जो क्लास है वो अटेंड करना जरूरी है. बाकी के सब्जेक्ट्स में मैंडेटरी नहीं है. अच्छा, बट इट इज एडवाइजेबल कि आओ. हाँ, तो बहुत सारा कुछ लेक्चर में ही सीखने को मिलता है, तो बुक्स अवेलेबल है. प्रोफेसर जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस जो बता रहे होते हैं अपने डोमेन से, वो काफी हेल्पफुल होता है. जर्मन लेक्चर्स में 80% मैंडेटरी है. अरे सही यार. वो भी डिवाइडेड है कि हमारी ऑनलाइन है जर्मन और बाकी स्टूडेंट्स की ऑफलाइन है क्लासेस यहाँ पर. तो तुम्हारे MBA वालों का सारे कोर्सेज मिला के इट इज अप्रोक्सीमेटली 120-130 स्टूडेंट्स. और 120-130 स्टूडेंट्स are approximately divided in among 8 to 9 university 8 to 9 professors, German professors. Okay. So 2-3 professors हैं जो online लेते हैं. बाहर रहते हैं तो वो online लेते हैं. Like हमारे जो professor है, she lives in Düsseldorf. Okay. चलो. तो वो फिर online lecture चलता है. अरे भाई library में आए.